सारा दिन पबजी मोबाइल पे जाया करते हो या आप पबजी पीसी पे खेलते हो, जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, और आपको लगता है कि यार आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक ऐसे बहुत बड़ी नेमत है यार। नेमत की तरह इस वीडियो को लो, और अगर आप ये ट्रिक्स जान गए तो वो जो आप टाइम जाया कर रहे हो वो पबजी मोबाइल पे आपका टाइम जाया नहीं होगा। जी हाँ, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ कमाल के बहुत ही ऑसम वाले ट्रिक्स जो ऐसे आपकी पबजी मोबाइल में आपको प्रो बना दे। प्रो तो यार एक्चुअली मैं खुद भी नहीं, लेकिन आपको ये ट्रिक्स काफी ज्यादा मदद देने वाले हैं। तो अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर करना, सिर्फ 2000 लाइक नहीं, आज 2000 नहीं यार 2500 लाइक करते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद गेमिंग की वीडियो बनाने लगा, तो यार 2500 लाइक पूरे कर दो ताकि आगे भी ऐसे पबजी के ट्रिक्स आते रहें। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब भी कोई एयर ड्रॉप गिरता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिल करता है कि यार काश काश इसमें से कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाए, वो चोगा सा, और ऐसे हम फुल देसी वर्ड यूज करेंगे। रीजन ये है कि भाई मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता। उसके बाद तवा, नहीं तवा तो एक्चुअली हमें वैसे नॉर्मल भी मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि यार उसमें जो अच्छी अच्छी गन्स हैं AWM वगैरह और बहुत मजे मजे की गन्स हमें मिल जाएं, लेकिन हम वो नहीं हासिल कर पाते। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी बंदा उस ड्रॉप को उठा लेता है, ले लेता है, वो उसके पास जो भी गन्स होती है वो वहां पर ड्रॉप कर देता है, और हो सकता है कि उसमें भी कोई अच्छी गन आपको मिल जाए। तो हम लोग अगर कोई बंदा उठा के चला जाए तो हम कहते हैं यार छोड़ो, लेकिन आप लोगों को जाना चाहिए उस ड्रॉप के पास और गिरी हुई गन्स को आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप में बहुत ज्यादा ऐसे एटीट्यूड है फिर ना जाओ अगर आप गिरी हुई चीज नहीं उठाते। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पास जो दूसरा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं अपनी पबजी मोबाइल में वो ये है कि आपको पता है कि आपको फायर ग्रेनेड जो होते हैं कम मिलते हैं, और जो दूसरे होते हैं स्मोक ग्रेनेड वो काफी ज्यादा मिल जाते हैं। और अगर आपके पास एक स्मोक ग्रेनेड है, फायर ग्रेनेड नहीं, अगर आपके किसी बंदे को बाहर निकालना चाहते हैं कमरे से, तो आप क्या कर सकते हो, स्मोक ग्रेनेड को ही फेंक के उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता कि आपने फायर ग्रेनेड फेंका है कमरे में या स्मोक ग्रेनेड फेंका है, क्योंकि उसके पास तो भाई आंखें हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक जैसी ही आवाज दोनों करते हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप किसी कमरे में फेंक कर स्मोक ग्रेनेड बंदे को बाहर निकाल के उसे शूट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बहुत अच्छा ट्रिक है, वो ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप हमेशा साए पर रखें नजर। आप एक्चुअली क्या करते हैं, आपकी नजर होती है पूरी मैप के ऊपर और आप भूल जाते हैं किसी का साया वाया कोई नजर आ रहा है। नाइट चल रही है तो फिर तो और चक्कर है, लेकिन अगर दिन चल रहा है तो आप देख सकते हो कि भाई यहां पर इधर इधर उधर बंदा, मैप से थोड़ा बहुत ध्यान हटा भी लिया करें और आप साए में देख सकते हैं कि भाई इस साइड पे बंदा है, और उसे आप आगे निकल के इजिली शूट कर सकते हैं, कोई बंदा अगर छुप के आपको मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पान जो फ्राई पान होता है ऐसे, अगर आप उसको अपने पीछे यूं लगा लेंगे तो आपको गोली नहीं लगेगी, या अगर आपने उठाया हुआ हाथ में तो आगे से अगर आपको कोई शूट करेगा तो आपको गोली नहीं लगेगी। तो ये काफी लोगों को नहीं पता होता कि यार मतलब इस पान का क्या कमाल है। तो पान को आप लाजमी से यूज कर सकते हैं बचने के लिए अपने एनिमी की जो शूटिंग है उससे। और इसके एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीछे अपने पान को रखा हुआ है तो अगर आप खड़े हुए हैं तभी आप बच पाएंगे, लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो फिर आपको गोली लग जाएगी। ये भी एक ट्रिक है, इसको भी आजमाओ और अपनी डायरी में नोट करो क्या कर रहे हो। उसके बाद अगर दोस्तों आप बचना चाहते हैं गाड़ी के, अगर आप मतलब बैठे हुए हैं पीछे बैठे हुए और आप चाहते हैं सामने से कोई आपका एनिमी आ गया है उससे बचें, उसकी गोलियों से बचें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यूं मुक्के मारने होंगे अपने कार के टायर पर ताकि आपके जो कार के टायर हैं वो पंचर हो जाएं, गायब हो जाएं, वो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाएंगे, उसके बाद कार हो जाएगी नीचे और कोई बंदा लेट के आपको फायर गोली नहीं मार सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि अगर आप बचना चाहते हैं सामने से आपको गोली ना लगे, आप चुप करके बैठ जाएं, लेट जाएं नीचे चुप करके, सुकून से प्रॉन मोड में चले जाएं, तो बहुत अच्छा है यार ये भी कि आप अपनी कार पे मुक्के मारें, कुछ टाइम बाद उसके टायर डिसअपीयर हो जाएंगे, कार बैठ जाएगी, आप सुकून। एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर आपको कोई ग्रेनेड मारता है और ग्रेनेड में और आप में कोई एक भी चीज है जो दरमियान में है, मतलब उसमें हो सकता है कि एक छोटी सी दीवार है, बहुत छोटी दीवार है, मतलब बहुत ही छोटी दीवार है, या फिर उसके अलावा कोई ट्री वगैरह है, तो आप इजीली उस ग्रेनेड से बच सकते हो। लेकिन किस तरह के, आप लोग जैसे ही कोई बंदा ग्रेनेड मारे आप वहां पर ही लेट जाएं, तो जैसे ही आप लेट जाओगे ग्रेनेड चाहे बिल्कुल आपके पास भी पड़ा हुआ है, दरमियान में कोई दरख्त है, कोई भी चीज है, तो ग्रेनेड आपको डैमेज नहीं करेगा। तो ये भी एक काफी अच्छा ट्रिक है, आप इसको भी एक बार यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अंडर वाटर हील करना चाहते हैं खुद को, मतलब अंडर वाटर आप चाहते हैं कि आपकी जान काम हो रही है, कोई इस तरह का चक्कर हो गया, अंडर वाटर आप कार में हैं, तो आप किस तरह खुद को हील कर सकते हैं। तो कार में जब आप होंगे तो आपको जो हीलिंग टैब है वो बटन है वो जो साइड पे आता है कि भाई यहां से बैंडेज लगा लो, ये वो लगा लो, बैंडेज वगैरह, तो वो वहां पर नहीं आएगा। जी हां, लेकिन अगर आप एक बार कार से निकलेंगे बाहर उसके बाद दोबारा कार में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने आ जाएगा भाई जो कुछ भी आपने करना है आप हील अपने आप को कर सकते हो। तो ये भी काफी सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार अंडर वाटर किस तरह हमने हीलिंग करनी है। तो कार में बैठो, कार को नीचे लेके जाओ और कार से निकलो,
फिर बैठो, जब आप दोबारा बैठोगे तो आपकी कार में भाई वो ऑप्शन आ जाएगा और आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो छोटे हथियार होते हैं, मतलब छोटे वेपन्स होते हैं, छोटी गन्स होती हैं, बंदूकें होती हैं, उनको आप हमेशा बॉटम पे रखें, यानी नीचे वाली साइड पे रखें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप किसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और आप बड़े वाला जो मतलब वेपन है उसको पहले निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो एनिमी होगा उसको दीवार के पार से या अगर छोटी जगह है तो उससे दिख जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बॉटम वाली साइड पे रखेंगे तो वो यहां से यूं निकाल लेगा और आपके एनिमी को इस चीज का पता नहीं चलेगा। तो ये भी काफी अच्छा ट्रिक है यार, अगर आप चाहते हो तो अपने जो बड़े वाला वेपन उसे बॉटम पे रखो और दूसरे को टॉप पे रखो, जो छोटा मतलब छोटा हथियार है। तो उम्मीद करता हूं यार आज की ये पबजी ट्रिक्स वाली छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी मजे मजे के मैं ट्रिक्स लाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करके बताते हो। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे छोटे मोटा कोई मुझे अगर ट्रिक पता चला तो मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता रहूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @ofdeeplalchaudhary। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।